नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही है कांगड़ा तहसील चौक से, जहां पर लंबी लंबी यहां पर कतारें लग चुकी हैं। वाहनों का यहां पर काफी लंबा जाम जो है वह लग चुका है, जिसमें कि दोपहिया और चार पहिया वाहन भी हैं और राहगीरों को इस कारण आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से कांगड़ा तहसील चौक से, जहां पर वाहनों की लंबी कतारें जो लग चुकी हैं और जिसके कारण राहगीरों को, वाहन चालकों, अन्य जो छोटे दोपहिया वाहन हैं उनको भी और राहगीरों को भी आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें जो है यहाँ पर हो रही हैं। काफी लंबा जो है यहाँ पर जाम लग चुका है। हालांकि जो वाहन है, जो भारी वाहनों की आवाजाही है, वो कांगड़ा बाईपास से अक्सर होती है, परंतु आज जो ये बसें हैं ये भी कांगड़ा तहसील चौक से होकर जो है गुजर रही हैं, जिस कारण यहाँ पर लंबा जाम लग चुका है। और तहसील जो मुख्य तहसील चौक है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो वाहन है आवाजाही में उनको दिक्कत जो है हो रही है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जाम को खुलवाने के लिए लगे हुए हैं, और परंतु फिर भी यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम जो है लगा हुआ है और वाहन चालक, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, चार पहिया वाहन हैं, उनके कारण जो है राहगीरों को भी काफ़ी आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौका पर पहुंचे हैं और जाम उनके द्वारा, जो काफ़ी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई थी उनको खुलवाने की जो कार्रवाई है, जाम को खुलवाने की कार्रवाई जो है उनके द्वारा शुरू की जा चुकी है। कांगड़ा तहसील चौक पर वाहनों का जाम, काफ़ी लंबी कतारें जो है यहाँ पर वाहनों की लग चुकी हैं। एक तरफा वाहन जो जाम है वो खोल दिया जा चुका है और जो दूसरी तरफ का जाम है उसको धीरे धीरे जो है खोलने का कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि जो बात करूँ गुप्तंगा रोड की, जो कि तहसील चौक से टांडा की तरफ, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है टांडा की तरफ ये मार्ग जाता है, यहाँ पर भी जाम की स्थिति बन चुकी है। कांगड़ा तहसील चौक से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा जाम जो है वे खोल दिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले यहां पर जाम लगा हुआ था, परंतु पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और उनके द्वारा वाहनों को सुचारू रूप से यहां पर आवाजाही के लिए जाम खोल दिया जा चुका है। काफ़ी लंबी यहाँ पर वाहनों की कतारें लगी हुई थी और यहाँ पर मौके पर पुलिसकर्मी, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं, पहुँच चुके हैं। तो जाम को यहाँ पर खुलवाने का कार्य जो है वह शुरू हो चुका है।
पुलिसकर्मी मौका पर पहुंचे और इससे पहले यहां पर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, काफ़ी बसें यहां पर जाम में फंसी हुई थी, छोटे बड़े वाहन भी यहां पर जाम में फंसे हुए थे। पुलिसकर्मी मौका पर पहुंचे और उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जाम यहां पर लगा हुआ था उसको खुलवा दिया गया और वाहन जो है आवाजाही के लिए वाहनों के लिए मार्ग को खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे 88 तहसील चौक कांगड़ा। उससे पहले यहां पर बहुत लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई थी और जैसे ही यहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी यहां पर पहुंचे उनके द्वारा जाम को खुलवाया गया और वाहनों को सुचारू रूप से आवाजाही पुलिस कर्मचारियों द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क को खुलवा दिया गया है। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब की सिटी टीवी के साथ। मैं हूँ राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब की सिटी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।